नीदरलैंड वर्सेस इंग्लैंड। जी हाँ दोस्तों, इंग्लैंड गया है नीदरलैंड के सामने ओडीआई मुकाबले। पहले दो ओडीआई में इंग्लैंड ने जैसे सबको उम्मीद थी ना वैसे ही खेला, मतलब बिल्कुल बच्चा समझ लिया किसको नीदरलैंड को मार सके मार सके, मतलब ऐसे बेरहमी से मारा। नीदरलैंड का कप्तान सोच रहा भैया ये तूने क्या कर दिया। दूसरे ओडीआई मुकाबले की बात करें, नीदरलैंड ने सोचा इस बार ना हम पहले बैटिंग कर लेते हैं, नहीं तो इंग्लैंड वाले इतनी पिटाई कर देते हैं, उसी सदमे में हम मैच हार जाते। तो कुछ हद तक पहले बैटिंग करके नीदरलैंड ने बढ़िया स्कोर बनाया, लेकिन आप सबको पता है ना भैया इंग्लैंड है बड़ी बड़ी टीमों को पानी न लेने देती। तो आप तो नीदरलैंड हो, वही होना था जो होना था, इंग्लैंड दोनों ओडीआई मुकाबले अपने नाम पे कर गए। अब तीसरे ओडीआई मुकाबले की बारी है, तो भैया आज के मैच में क्या होगा, क्या इंग्लैंड फिर से वैसे मैदान फतेह करेगा और नीदरलैंड को बोलेगा भैया तुमसे ना हो पाएगा, या नीदरलैंड बोलेगा एक मैच तो जीत लेने दो कैसे भी करके एक मैच जीत लेने दो। तो आज की वीडियो में यही जानेंगे कौन सी टीम जीतेगी आज का मैच। तो चलो फिर जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले बहुत से ऐसे लोग हैं जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कर डालो ना यार चैनल को सब्सक्राइब। और सभी लोग करते हैं मिलकर वीडियो को लाइक, जब आप लाइक करते हैं तो यहाँ दिल पे बात लगती है, इसलिए आपका भाई आपके फायदे के लिए टेलीग्राम पर जान लगा देता है। जिन लोगों ने मेरा टेलीग्राम ज्वाइन किया भाई साहब बहुत ही फायदे में। आप सोच रहे होंगे अच्छा भाई ऐसा कहते हैं टेलीग्राम पर, तो मेरी मत मानिए, डिस्क्रिप्शन में जाओ टेलीग्राम की लिंक मिलेगी, टेलीग्राम ज्वाइन करो, दो चार मैचों में मेरे साथ काम करो, आपको इतना फायदा होगा। आप यही बोलोगे पहले ज्वाइन क्यों नहीं किया, कोई बात नहीं जो समझदार है ज्वाइन कर ले। तो भाई लोग अगर हम इस मैच की बात करें, वेडनेसडे 22 जुलाई इंडिया टाइम अनुसार 2:30 PM से आप इसका लाइव एक्शन देख सकते हैं। और दोस्तों यह मुकाबला खेला जाएगा BRA क्रिकेट ग्राउंड अस्टर ब्रीम में। अगर हम यहां पर बात करें ओडीआई की, तो अभी तक 25 मैच खेले गए जिसमें से 14 मैच में टारगेट डिफेंड हुआ और दोस्तों 10 मैच में टारगेट चेज हुआ और एक मैच टाई भी हुआ। यानी यहां के मैदान पे ज्यादा मैचों में क्या होता है, टारगेट डिफेंड होता है। एवरेज स्कोर यहां पे फर्स्ट इनिंग का 274 रन, टारगेट चेज की बात करें 264 से नीचे स्कोर बनेगा 10 मैच में से 8 मैच में टारगेट चेंज हो सकता है। टारगेट डिफेंड की बात करें 284 प्लस स्कोर बनेगा, तो 10 मैच में से 8 मैच में टारगेट डिफेंड हो सकता है। 264 से 284 के बीच में टारगेट होगा, आप समझ जाना। अब ये जो मामला है ना बिल्कुल बराबरी का है, चेंज भी हो सकता है और डिफेंड भी हो सकता है। दोस्तों अगर हम यहाँ पे ज्यादातर मैचों की बात करें, जो मैच होते हैं ना वो मीडियम स्कोरिंग होते हैं, क्योंकि यहाँ का जो पिच है ग्रोथ है, जिसकी वजह से न्यू बॉल से जो तेज गेंदबाज होते हैं उनको थोड़ा सा हेल्प मिलता है, लेकिन उसके बाद बैटिंग करना काफी ज्यादा आसान होता है क्योंकि यहाँ के जो कंडीशन है वो बैटिंग कंडीशन है। अगर हम आज के मैच की बात करें, नीदरलैंड पहले बैटिंग करती है तो हो सकता है 280 के आसपास स्कोर बनाए हुए, जिससे इंग्लैंड को फिर से शायद पहले बैटिंग करने का मौका मिला तो 300 प्लस ये मार सकते हैं। अगर हम यहाँ के मैदान पे दोनों टीमों की परफॉर्मेंस की बात करें, तो नीदरलैंड ने यहाँ के मैदान पे अभी तक 17 ओडीआई मुकाबले खेले, 17 में से बस 4 जीता है, 13 मैच हारा है, मतलब नीदरलैंड अपने घर में बढ़िया परफॉर्मेंस नहीं कर पाता। इंग्लैंड की बात करें यहाँ के मैदान पे 2 मैच खेला, दोनों मैच जीत गया। नीदरलैंड वर्सेज इंग्लैंड की बात करें, 2 बार आमना सामना हुआ यहाँ के मैदान पे और दोनों ही मैच इंग्लैंड ने नीदरलैंड को हरा दिया। मतलब यहाँ के मैदान पे जो इंग्लैंड की टीम है नीदरलैंड के सामने बहुत ही जबरदस्त परफॉर्मेंस करती है, आंकड़े तो यही कहते हैं। लेकिन आपको पता जो आंकड़े होते हैं या तो टूट जाते हैं या फिर नए रिकॉर्ड्स बनते हैं, तो करंट परफॉर्मेंस के हिसाब से कौन सी टीम आज के मैच में बढ़िया परफॉर्मेंस करके आज का मैच जीतेगी, चलो ये जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे नीदरलैंड की। अगर हम इनकी प्लेइंग 11 की बात करें, तो बिल्कुल सेम प्लेइंग 11 के साथ नीदरलैंड इस मैच पे उतरने वाला है। अगर हम इनकी बल्लेबाजी की बात करें, 1-2 बल्लेबाज मैक्स ओडॉट और स्कॉट एडवर्ड, अगर हम इन दोनों की बात करें, ये दोनों काफी बढ़िया बल्लेबाजी करें, इनके अलावा बाकी के जो बल्लेबाजी है वो आते हैं और चले जाते हैं। वहीं अगर हम इनकी गेंदबाजी की बात करें, लोगन वन वीक और आर्यन दत्त, ये दो गेंदबाज है जो नीदरलैंड के लिए लगता है कि बढ़िया गेंदबाजी करें अपनी टीम के लिए कुछ कर गुजर जाएंगे, लेकिन दो गेंदबाजों से नीदरलैंड बढ़िया परफॉर्मेंस नहीं कर पाएगा ना, क्योंकि बाकी के जो 3 गेंदबाज है वो आते हैं चौके छक्के खाते हैं। तो नीदरलैंड की जो परफॉर्मेंस है बहुत अच्छी नहीं है। वहीं दोस्तों इंग्लैंड की बात करें, तो इंग्लैंड के खेमे में हो सकता है कोई भी चेंज ना हो, बिल्कुल सेम प्लेइंग 11 के साथ ही उतरेंगे। अगर हम इनकी बल्लेबाजी की बात करें, आप सबको पता है जैसन रॉय फिलिप चार्ल्स काफी गजब की शुरुआत करते हैं, उसके बाद डेविड मलान आते हैं, सभी मैचों में रन बनाते हैं। कप्तान ओएन मॉर्गन 2 मैच खेला, दोनों में 0 पे आउट, लेकिन क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि इसके बाद इनके पास जोस बटलर है, मोइन अली है, लियाम लिविंगस्टन है, बढ़िया बल्लेबाजी है इंग्लैंड के। अगर कप्तान 0 पे भी आउट हो जाए तो क्या फर्क पड़ता है। गेंदबाजी की बात करें, तो इंग्लैंड की गेंदबाजी भी नीदरलैंड के सामने काफी ज्यादा बेहतर है, क्योंकि डेविड विली बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, आदिल रशीद बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, जरूरत पड़ने पर मोइन अली आते हैं, ये भी बढ़िया गेंदबाजी कर जाते हैं, सैम करन भी जबरदस्त गेंदबाजी कर रहे हैं। तो यहाँ पे पूरी तरह से जो इंग्लैंड की टीम है ना काफी ज्यादा मजबूत नजर आ रही है नीदरलैंड से। अगर हम इन दोनों टीमों के हेड टू हेड रिकॉर्ड्स की बात करें, तो इससे पहले 5 ओडीआई मुकाबले खेले गए और 5ों ही मैच इंग्लैंड ने नीदरलैंड को हरा दिया, मतलब नीदरलैंड इंग्लैंड के सामने बिल्कुल फिस्टी साबित होता है। तो आज की मैच की बात करें, तो मुझे लगता है आज के भी मैच में यही होने वाला, जो इंग्लैंड की टीम है नीदरलैंड को आज का मैच हरा देगी। तो मेरे हिसाब से जो आज का मैच है ना इंग्लैंड की जो टीम है अपने नाम पे कर सकती है, लेकिन आपको पता है क्रिकेट मैच है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, प्लेयर इंजरी के चक्कर में या किसी और चक्कर में टीम बदल सकती है, उस कंडीशन में
में मैच विनर भी बदल सकता है। अगर ऐसा कुछ होता है तो जो फाइनल प्रेडिक्शन होती है मैच स्टार्ट होने के 2-3 घंटे पहले मैं अपने टेलीग्राम पर अपडेट कर देता हूँ। तो आपके लिए मेरा टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। जिन लोगों ने मेरा टेलीग्राम ज्वाइन किया बहुत ही फायदे में है। आप सोच रहे होंगे अच्छा ऐसा क्या तेरे टेलीग्राम पर, तो मेरी मत मानो, डिस्क्रिप्शन में जाओ, टेलीग्राम की लिंक मिलेगी, मेरा टेलीग्राम ज्वाइन करो। तो 4 मैचों में मेरे साथ काम करना आपको इतना फायदा होगा, आप यही बोलोगे पहले ज्वाइन क्यों नहीं किया। तो कोई बात नहीं, अगर आपको सभी मैचों में फायदे में रहना है तो मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर डालें। बस एक चीज़ का ध्यान रखें, फेक से सावधान। मेरे नाम पे ना बहुत सारे फेक टेलीग्राम चैनल बना लिए गए और आपको पता है जब सही जगह आएंगे तभी सही सही फायदा भी होगा। तो सही जगह कैसे आएंगे, इधर उधर और कहीं से टेलीग्राम ज्वाइन ना करें, बस आपको डिस्क्रिप्शन में जो लिंक मिलेगी टेलीग्राम की वहीं से ज्वाइन करें, क्योंकि सही जगह आएंगे तभी सही सही फायदा भी होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दो यार, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर दो सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले मैच की प्रेडिक्शन के साथ, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू।